सवाल पे एमएसपी नहीं या उसके जाऊंगा ऊपर के मूल्य पे कि खरीदनी पड़ेगी। आपकी पार्टी ने 70 में से 50-55 साल देश में सरकार चलाई, तो कभी किसानों को एमएसपी की वो जी गारंटी देने का नेक ख्याल उसके मन में क्यों नहीं आया? उससे पहले मैं ये जी सवाल पूछना जी चाहता हूं आपसे कि आपने कहा कानून में 18 संशोधन है, कमीज में 18 रफू हो जाए तो कमीज को फेंक के दूसरी ले लेनी चाहिए। आप तो कल को देश का संविधान फेंकवा देंगे जिसमें 100 से ज्यादा संशोधन करवा चुके हैं आप खुद ही। आप कहेंगे कि नहीं, इसमें 100 रफू हो गए, देखिए इतने पैपर देखिए लगे, इसको फेंको, अब देखिए दूसरा लेके आते हैं कहीं और से, हम बनाते हैं बैठ के यहां 10 जन रोहित बनाते हैं। जी, रोहित जी, क्या संविधान में संशोधन 18 2 महीने में हुए पारित होने की? देखिए बहुत ही सीरियस डिबेट है। 2 महीने भी हुए पारित होने हुए, उसमें 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार है, इसका मतलब उसमें एब इनिशियो डिफॉल्ट है। इसको इसको सरकार को अपनी नाक की लड़ाई नहीं मानना चाहिए क्या? संविधान में 18 संशोधन जब संविधान लागू हुआ उसके 2 महीने के अंदर हो गए थे क्या? देखो ऐसी बातें ना की जाए। सर, मेरा संविधान दो में सवाल है संशोधनों के लिए देश कि को बंधक नहीं बनाया था ना लोगों ने सड़क पे बैठ के, ये भी आप जी मानेंगे जी ना? जी जी आप नहीं आप नहीं इसका आप रोहित इसका जी ऑब्जेक्शन बताइए है। जी। मैं एक एक आपको बात बता रहा हूं कि अगर किसान यहाँ किसको बंधक बना के बैठे हैं, वो तो दिल्ली आना चाहते थे, उनको हरियाणा सरकार ने लाठियों से मारा, पानी छिड़के उनके ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े, वो भी एक्सपायर्ड, उनके लिए खड्डे खुदवा दिए गए, फिर उनको जहां रोका। आप एक भी ऐसी घटना बता दीजिए पिछले 57 दिन में जब किसानों ने कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किया हो, जब कानून की बात गौरव ना जी, मानी गई हो, दिल्ली वो के तो दो बॉर्डर पर टांगे डिस्टर्ब बोल नहीं रहे किया, मैं थे। आपसे सहमत हूं, लेकिन सर जी जी पंजाब में मोबाइलों के टॉवर तोड़ दिए जी गए, वो किसने तोड़े? अभी वैक्सीनेशन ड्राइव जिस अब दिन शुरू हुई उस दिन हरियाणा के कैथल में क्या जी घटना हुई, उसके पीछे कौन लोग थे? अगर वो किसान नहीं थे तो किसानों की आड़ में कौन लोग थे? क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं है किसी की? या इस तरह की छोटी जी छोटी चीजें बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आंदोलनों की आड़ में हो जाती हैं और उनको स्वीकारता है? देखिए देखिए मैं आपको पूरी पूरी निष्ठा से एक बात बोलता हूं कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते और वो भारत के शुभेच्छुक नहीं हो सकते। मैं सीधी और सरल भाषा में, वो भारत का हित नहीं चाहते जो भी ये काम कर रहे हैं, वो सर, भारत का हित चाहने वाले लोग हैं। जब पर तक मेरे दो एक दो सवालों का टॉवर उत्तर गिरने दिला से दीजिए अमरिंदर सिंह जी को दर्द नहीं रोहित हुआ था जी। ना, तब तक आप लोगों को भी कष्ट नहीं रोहित हुआ जी था? तब नहीं तक आप रोहित लोग जी, कह रहे दो थे कि गुस्सा सवालों है, लोगों का गुस्सा तो निकलेगा और रोहित जी उसका दो आरोप आप पे है सवालों का भड़काने का। जवाब दे रोहित जी मेरे तो दो सवालों का जवाब दिलवा अभी ले लेता हूं लीजिए। सर। एमएसपी लागू हो जाएगी तो भारत के सरकार को एमएसपी की लीगल गारंटी से क्या नुकसान ठीक हो है, जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, जिस कानून को सरकार 1.5 साल तक के लिए स्थगित कर सकती है, जिसमें 18 संशोधन कर सकती है, जिसको बिना वोटिंग के राज्यसभा से पारित करवा सकती है, उन कानूनों को वापस लेके क्या किसानों के साथ मिलकर नया कानून नहीं बनाया जा ठीक है। सकता?